नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक IBPS, AFO, ADA, जितने भी हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसके लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज उसका पार्ट 10 है। तो दोस्तों, स्पेशली आज इस पार्ट के अंदर हमने हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन इंक्लूड कर, हॉर्टिकल्चर के अंदर मैंगो और बनाना के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आज 50 है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा ली गई है, टोटल 50 क्वेश्चन है और दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए, एक सेकेंड लगेगा आपको, प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज करार, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा होता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल होता है वो कौन सा है? मैंगो है, सिंपल क्वेश्चन है। फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, मैंगो का फल का प्रकार क्या है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आम का फल का प्रकार क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, आम का जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? ड्रूप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पोलिनेशन इन मैंगो, मैंगो में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो हमको पता होना चाहिए कि मैंगो क्या है, एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। क्या है? पर परागित फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। अब इस क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप होती है पर परागित, इसमें परागण किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा पोलिनेशन होता है, याद रखना आपको। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी जिसका नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम होता है इसका? मस्का डोमेस्टिका, है ना, मस्का डोमेस्टिका इसका नाम होता है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार है, दशहरी आम में बोनेपन के लिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कि विच रूट स्टॉक यूज इन दशहरी फॉर द डॉर्फिंग इफेक्ट, ठीक है। कि दशहरी जो हमारे आम की वैरायटी होती है उसमें बोनेपन के लिए किस रूट स्टॉक का यूज किया जाता है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर तो है रोमानी। क्या है करेक्ट आंसर? रोमानी है दशहरी के लिए। अगर आपसे लंगड़ा पूछा जाए तो ओलूर जो है लंगड़ा के लिए किया जाता है। किसके लिए? लंगड़ा के लिए किया जाता है, लंगड़ा जो वेराइटी है। तो रूट स्टॉक क्या होता है कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं आम में, जब हम प्रोपेगेशन क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं? सियोन कहते हैं। अपर पार्ट को क्या कहते हैं? हम सियोन कहते हैं। और लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? लोअर पार्ट को, नीचे वाला पार्ट जो होता है हमारा, ठीक है, रूट वाला, उसको हम क्या कहते हैं? रूट स्टॉक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूट स्टॉक कहते हैं। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है यहाँ पर दशहरी के अंदर, है दशहरी के अंदर, तो आंसर है रोमानी। अगर लंगड़ा के अंदर पूछा जाए तो ओलूर है। क्वेश्चन नंबर पांच, मैंगो जो है किस प्रकार का फ्रूट है? क्लाइमेट्रिक, ट्रॉपिकल एंड नॉन क्लाइमेट्रिक, सब ट्रॉपिकल, क्लाइमेट्रिक एंड सब ट्रॉपिकल। दोस्तों, मैंगो हमारा क्या है? क्लाइमेट्रिकल एंड ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट होता है। तो रेस्पिरेशन के रेट के आधार पर तो क्लाइमेट्रिक है। क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होती है, रेस्पिरेशन अगर रेट बढ़ जाती है ना, हार्वेस्टिंग के बाद अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है राइपनिंग के बाद, उसमें श्वसन की दर अचानक बढ़ जाती है, तो उसको हम क्लाइमेट्रिक कहते हैं। ट्रॉपिकल मतलब इसको कल्टीवेशन के लिए थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, इसकी खेती के लिए टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, BHT मैंगो इज रिकमेंडेड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ द विच इंसेक्ट, आम में किस कीट के संक्रमण को रोकने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट। BHT का मतलब क्या है? वेपर हीट ट्रीटमेंट, याद रखना। क्या नाम है? वेपर हीट ट्रीटमेंट, है ना। तो ये वेपर हीट ट्रीटमेंट जो होता है, इस टेक्निक का यूज आम में किस कीट को फैलने से, संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है? तो आंसर है इसका स्टोन बीविल और फ्रूट फ्लाई, इन दोनों को रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग, जब अपन फसल की कटाई कर लेते हैं ना, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जब इसको हम क्या करते हैं, एक मशीन आती है इस प्रकार से ना, वेपर हीट ट्रीटमेंट की ये मशीन है। इस मशीन के अंदर क्या होता है, इस आम को 20 मिनट के लिए रखा जाता है ना, पैकेट्स के अंदर, इनको कार्टून जो कार्ट्रिज होती है उनके अंदर 20 मिनट के लिए यहाँ पर रखते हैं। 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में स्टीम दिया जाता है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सात है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैंगो कल्टीवेशन, मैंगो कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 24 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आम की खेती के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उपयुक्त टेम्परेचर कितना? 24 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर आठ है, इन नॉर्थ इंडिया मैंगो इज कॉमर्शियली प्रोपगेटेड बाय विच मेथड, कि उत्तरी भारत में आम को व्यापारिक रूप से किस विधि के द्वारा प्रसारण किया जाता है? यहाँ पर उत्तरी भारत के अंदर पूछा गया, नॉर्थ इंडिया में। तो दोस्तों, नॉर्थ इंडिया के अंदर वेनिल ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। किसका? वेनिल ग्राफ्टिंग का यूज नॉर्थ इंडिया के अंदर किया जाता है, ठीक है।
बाकी ये सारे जो मेथड हैं वो आम के प्रोपेगेशन के हैं, लेकिन आपसे पूछा गया स्पेशली कुछ कौन से उत्तरी भारत में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेनिल ग्राफ्टिंग इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, वेनिल ग्राफ्टिंग इस प्रकार होता है, थोड़ा साइड ग्राफ्टिंग होता है एक प्रकार से। ठीक है, यहाँ से इसको कट किया हमने तो नीचे वाला पार्ट क्या हमारा रूट स्टॉक, ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है रूट स्टॉक होता है। ठीक है, अपर वाला जो पार्ट ऊपर से हमने सियोन, ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा है सियोन है, ये नीचे वाला रूट स्टॉक है, ये हमारा रूट स्टॉक है ना, तो थोड़ा साइड में क्या करते हैं इस प्रकार से उनको जोड़ा जाता है। देखो ये जोड़ दिया गया, ये वेनिल ग्राफ्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, मैंगो इज प्रोपोगेटेड बाई विच मेथड, मैंने आपको बता दें कि मैंगो में ये सभी मेथड के द्वारा हम प्रोपोगेशन करते हैं, प्रसारण करते हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, वेनिल ग्राफ्टिंग, एनार्चिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ मैंगो, मैंगो की रोपाई की जो मैंगो का बगीचा लगाते हैं हम, ऑर्चर्ड लगाते हैं, उसमें हम जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं वो कितनी रखते हैं, तो वो रखते हैं हम 10x10। नॉर्मली कितनी होती है, 10x10 होती है ना। सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि मैंगो नॉर्मली तो कितने पर लगाया जाता है, 10x10 है ना। रो टू रो डिस्टेंस कितनी होती है, अगर एक मैंगो यहाँ है तो दूसरा मैंगो भी यहाँ, ठीक है, एक पंक्ति के अंदर एक मैंगो अगर यहाँ है तो 10 मीटर पर, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पर है तो 10 मीटर, एक यहाँ पर है, अगला यहाँ है, अगला ऐसे 10-10 मीटर पर लगाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर अम्रपाली वेराइटी, ये स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है। अम्रपाली वेराइटी जो है ये क्या होती है, डॉर्फिंग वेराइटी है ना, या फिर एचडीपी के लिए सुटेबल होती है, किसके लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपसे पूछा जाए कि इसकी जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, इसकी होती है 2.5x2.5 मीटर। तो नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि एक हेक्टर के अंदर आम के कितने प्लांट लगाए जाते हैं ना, तो कितने प्लांट आते हैं, 100 प्लांट आते हैं। लेकिन अगर एचडी अम्रपाली के पूछा जाए तो कितने आते हैं, 1600 प्लांट। ठीक है, अम्रपाली के कितने प्लांट आते हैं, 1600 प्लांट्स पर हेक्टर आते हैं, इसकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोसेसिंग क्वालिटी वेराइटी ऑफ मैंगो, कि आम की कौन सी प्रोसेसिंग के लिए उपयोग, जैसे फ्रूटी है, आपने देखो आम के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं प्रोसेसिंग करके, जैसे स्लाइस है, तो कौन सी वेराइटी जो है प्रोसेसिंग के लिए सबसे बढ़िया होती है, तो आंसर है केसर जो वेराइटी होती है प्रोसेसिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की सबसे पहली सीडलेस वेराइटी कौन सी है, तो आम की सबसे पहली जो सीडलेस वेराइटी है वो आंसर है सिंधु, याद रखना आम की फर्स्ट सीडलेस वेराइटी कौन सी है, सिंधु है। ठीक है, एग्जाम में से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु वेराइटी है किस किस के बीच का क्रॉस है, ठीक है ना, सिंधु वेराइटी जो है किस किस के बीच का क्रॉस है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो सिंधु है, तो ये किस किस के बीच है, ठीक है, रत्ना, ठीक है, इंटू अल्फांसो, ठीक है, किस किस के बीच का है, रत्ना और अल्फांसो के बीच का है, ठीक है, इन दोनों के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 14, विच मैंगो वेराइटी इज फ्री फ्रॉम द स्पंजी टिश्यू, आम की कौन सी वेराइटी स्पंजी टिश्यू से फ्री होती है, मतलब इनमें स्पंजी टिश्यू बीमारी नहीं होती है, तो रत्ना सही आंसर है, अरका अरुणा हाइब्रिड है, अरका पुनीत हाइब्रिड, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मैंगो नॉर्थ इंडियन कल्टीवर आर, जो आम की उत्तरी भारत में जो किस्में लगाई जाती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो देखो आम जो उत्तरी भारत में लगाई जाती है नॉर्थ इंडिया में वो क्या होती है, एकांतर फलन वाली होती है, अल्टरनेट बियरिंग होती है, मोनो एमरोनिक वेराइटी होती है, जो मोनो एमरोनिक का मतलब एक भ्रूणीय, ठीक है, और सेल्फ इनकम्पटेबल वेराइटी होती है, याद रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट आंसर हमारा कि उत्तरी भारत में जो वेराइटी लगाई जाती है वो अल्टरनेट बियरर होती है, मोनो एमरोनिक होती है, सेल्फ इनकम्पटेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 16, अल्टरनेट बियरर वेराइटी ऑफ मैंगो आर, ठीक है, आम की निम्न में से कौन सी किस्म एकांतर अल्टरनेट बियरिंग है, ठीक है, एकांतर फलन वाली, देखो एकांतर फलन में क्या होता है कि एक साल तो जो होता है फल आते हैं, एक ईयर तो क्या होता है फल आते हैं, रूटिंग होता है जिसको हम ऑन ईयर कहते हैं, एक साल फल नहीं आते जिसको हम क्या कहते हैं ऑफ ईयर कहते हैं, तो लंगड़ा, दशहरी, बॉम्बे ग्रीन इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी, ये सभी क्या होती है अल्टरनेट एकांतर फलन वाली वेराइटी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑफ सीजन वेराइटी ऑफ मैंगो आर, ऑफ सीजन आम की बेमौसम में फल देने वाली वेराइटी कौन कौन सी है, तो ये दो आंसर है निरंजन एंड मधुलिका, ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ ए एंड बी, तो ऑफ सीजन वेराइटी कौन सी है, मैंगो मधुलिका एंड निरंजन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पोली एमरोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो, आम की कौन सी पोली एमरोनिक किस्म है, ठीक है, तो ओलोर, ठीक है, ये भी है गोला, चंद्रग्रहण, तो करेक्ट आंसर है ओबरोग, ये सभी क्या होते हैं पोली एमरोनिक रूट स्टॉक होते हैं, एक प्रकार से वेराइटी भी है पोली एमरोनिक, है ना, तो आपको ये याद रखना है। पोली एमरोनिक का मतलब होता है बहुवर्णीय, मतलब एक से ज्यादा क्या होना,
एक से ज्यादा क्या होना, एमरो का होना, एमरो मतलब भ्रूण का, ठीक है ना, एक से ज्यादा भ्रूण का होना उसके बोलते हैं पॉलीएम्ब्रोनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, साई सुगंधा इज ए क्रॉस, ठीक है, आम की जो वैरायटी होती है साई सुगंधा किस किस के बीच के क्रॉस से बनाई जाती है, तो साई सुगंधा बनाई जाती है तोतापरी इंटू केसर, साई सुगंधा के जो पेरेंट है तोतापरी इंटू केसर। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल ऑफ मैंगो रूट स्टॉक, निम्न में से कौन सा आम का रूट स्टॉक है, तो देखो ओलूर है, गोवा है, नीलेष डॉर्फ है, ये सभी क्या है, तो आम के क्या है, रूट स्टॉक होते हैं, सभी रूट स्टॉक है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि रूट स्टॉक क्या होता है, जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो नीचे वाला भाग होता है जड़ वाला उसे हम रूट स्टॉक कहते हैं, तो ये सभी रूट स्टॉक है। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस डिजीज इन मैंगो डिफिशियंसी, आम की जो इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस बीमारी होती है किसकी कमी से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बोरोन की कमी से होती है, किससे होती है, बोरोन की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्पंजी टिश्यू इन मैंगो, आम के अंदर एक बीमारी होती है स्पंजी टिश्यू, ये किसके कारण होती है, तो स्पंजी टिश्यू में क्या होता है कि अंदर वाला बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से फाइबर जैसा हो जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है ना, कि अंदर से क्वालिटी खराब हो जाती है, वो किसके कारण होता है, हीट कन्वेक्शन के कारण होता है। ठीक है, वही गर्मी जवारी जो है, ऐसे आम का जो पेड़ है, यहाँ पर आम का पेड़ है अपना, ठीक है ना, तो इसके नीचे की जो सोइल होती है, ठीक है, जब ये गर्मी में थोड़ी गर्म हो जाती है ना, क्या हो जाती है, हीट हॉट हो जाती है, हॉट है ना, गर्म हो जाती है, तो जिससे क्या होता है, इस गर्मी के कारण ये बीमारी होती है स्पंजी टिश्यू। ठीक है, रत्ना वेराइटी ऑफ मैंगो, ठीक है, आम की जो रत्ना वेराइटी है मैंगो वो किस किस से क्रॉस से बनाई गई है ना, तो आम की जो वेराइटी ये बनाई गई है नीलम इंटू अल्फांसो, ठीक है, रत्ना नीलम इंटू, आपको ऐसे याद रखना है NAR, ठीक है, नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस करके क्या बनाई गई है, रत्ना बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेराइटी ऑफ मैंगो, निम्न में से कौन सी आम की वेराइटी नहीं है, तो अरुका अरुणा आम की वेराइटी है, अरुका पुनीत है, अरुका अनमोल है, अरुका हंस नहीं है, याद रखना अरुका हंस किसकी वेराइटी है, तो हमसे अंगूर की वेराइटी है, ग्रेप की वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट आर इंडिजीनियस टू इंडिया, कि निम्न में से कौन सा फल उत्पत्ति में इंडिजी, मतलब इनका उत्पत्ति स्थान भारत है, इंडिजीनियस का मतलब क्या है, ये उत्पत्ति स्थान भारत है, तो बनाना है, मैंगो है, व्हील है, जैक फ्रूट है, आंवला है, फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर याद रखना आपको ये सभी फलों का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। क्वेश्चन नंबर 26, बनाना बिलोंग्स टू विच फैमिली, ठीक है, बनाना जो है किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो बनाना आता है म्यूजिसी फैमिली के, बनाना की जो फैमिली है, सिंपल क्वेश्चन है। 27, फ्रूट टाइप ऑफ बनाना, बनाना का फ्रूट टाइप क्या होता है, तो बनाना का फ्रूट टाइप बेरी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, बनाना जाल सुनो, बनाना जो है केले का और क्या नाम है, और उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसको हम ट्री ऑफ विजडम कहते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं, करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बनाना, निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है कथन है बनाना के बारे में सही है, तो बनाना एक ट्रॉपिकल फ्रूट, बिल्कुल करेक्ट है, बनाना में खाने वाला जो भाग होता है मीजोकार्प एंडोकार्प, ये भी करेक्ट है, बनाना का खाने वाला भाग कौन सा होता है, अंतः फलवद्धि व मध्यफलवद्धि, ये भी करेक्ट है, बनाना एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ये भी सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त क्यों सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बनाना, ठीक है, यहाँ पर सेम कि भाई कौन सा स्टेटमेंट बनाने के लिए करेक्ट है, प्रोपोगेशन इन बनाना इज डन बाय शॉर्ट सकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनाना में जो प्रसारण करते हैं, प्रोपोगेशन करते हैं, वो तलवार नुमा शॉर्ट सकर से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट सकर का जो वेट होता है, याद रखना एवरेज वेट होता है वो कितना होता है, 500 से लेकर 700 ग्राम, ये भी करेक्ट है। ठीक है, प्लांटिंग डिस्टेंस जो होती है 1.8 टू 1 मीटर होती है नॉर्मली, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बनाना फ्लोडी लेवल, बनाना नॉर्मली क्या होता है, डिप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड होता है, तो आंसर ट्रिप्लोइड होता है, नॉर्मली बनाना क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है, 3n बराबर कितने होते हैं, 3n बराबर होते हैं 33 गुणसूत्र, है ना, क्योंकि सीडलेस बनाना ट्रिप्लोइड होता है। क्वेश्चन नंबर 32, बनाना गिव्स टाइम फ्रूट इन द लाइफ, ठीक है, केला अपने जीवन काल में कितने बार फल देता है, तो केवल एक बार देता है, वंस टाइम अपने जीवन में एक ही बार फल देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बनाना फ्रूट कैन बी स्टोर्ड, बनाना फल को हम कितने दिनों तक भंडारित कर सकते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ह्यूमिडिटी, तो हम बनाना फ्रूट्स को 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 85 से लेकर 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 3 वीक, 3 वीक्स के लिए, 3 सप्ताह के लिए, याद रखना कितने, 3 सप्ताह के लिए 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर 85 से 95% ह्यूमिडिटी पर हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34 कि बनाना वेराइटी विच इज बेस्ट फॉर द टेबल पर्पज,
टॉलरेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, रेजिस्टेंट टू पनामा बेल्ट। आम की कौन सी वैरायटी जो है, आम की जो कि खाने के उद्देश्य से लगाई जाती है, खाने के उद्देश्य से सबसे अच्छी होती है, और साथ साथ में जैविक तथा अजैविक तना के प्रति जो बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस होता है उसके लिए रेजिस्टेंट होती है, और साथ साथ में पनामा जो बिल्ट बीमारी होती है उसके लिए भी क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है। जैसी कौन सी वैरायटी है, तो इसका करेक्ट आंसर कोवन जो वैरायटी है वो टेबल पर्पज है, साथ साथ में बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस वैरायटी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिप्लोइड वैरायटी ऑफ बनाना, बनाना की कौन सी दुगलित वैरायटी है, तो लेडी फिंगर जो है बनाना की डिप्लोइड वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच वैरायटी इज ससेप्टिबल टू द सिगाटोका लीफ स्पॉट। ठीक है, आम के अंदर, सॉरी बनाना के अंदर एक बीमारी होती है सिगाटोका लीफ स्पॉट, तो कौन सी वैरायटी है सिगाटोका लीफ सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कौन सी है, रोबस्टा। रोबस्टा जो केला होता है उसके अंदर क्या होता है, बीमारी बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बंची टोप ऑफ बनाना, ठीक है, केले की बंची टोप बीमारी किससे फैलती है, देखो बंची टोप ऑफ बनाना होती किससे, ये बीमारी वायरस होती है, ये बीमारी किससे होती है, वायरस होती है। ठीक है, अब ये जो बीमारी वायरस होती है फैलती किससे है, ठीक है, तो आंसर एफिड के द्वारा, किससे, एफिड से, याद रखना ना, एफिड का नाम क्या है, पेंटालोनिया निकोरोनवेसा, जो वेक्टर होता है इसका ट्रांसमिशन होता है वो कौन होता है, एफिड होता है, और एफिड का साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया निकोरोनवेसा। क्वेश्चन नंबर 38, रिमूवल ऑफ स्टेम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्टिंग फ्रूटिंग बूटी, ये आईपीएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिमूवल ऑफ स्टेम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हार्वेस्टिंग, कटाई चरण जो है अपना, कटाई जो स्टेप हो गई इसके बाद तने को हटाना क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, क्या डिसकरिंग कहते हैं, क्या मेटोकिंग कहते हैं, क्या डिनेबलिंग कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, मेटोकिंग। ठीक है ना, रिमूवल ऑफ स्टेम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, तो इसे क्या बोलते हैं, मेटोकिंग कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से किया जाता है, देखो मेटोकिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद इस प्रकार से स्टेम को यहाँ से इस प्रकार से कट कर दिया जाता है, इसको हम मेटोकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट एट द टाइम ऑफ बंच, जब बनाना के अंदर केले के ना बंच जो होता है जिसको इस प्रकार से आपने देखो, जिसको हम बंच कहते हैं, ठीक है, ये तो जब ये क्या होता है, बंच का वेट बहुत ज्यादा होता है आपको, 55 kg तक होता है, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, तो तने को सहारा देना पड़ता है, केले को सहारा देने की आवश्यकता होती है, तो इसको हम प्रोपिंग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इसको हम प्रोपिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्टील के जो डंडे हैं, लकड़ी के डंडे से प्लांट को सपोर्ट देते हैं ताकि प्लांट नीचे न गिर जाए, ठीक है ना, क्योंकि इनमें वेट बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बंचीटोप वायरस, बंचीटोप वायरस को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है टेट्राजोलियम टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोको डिजीज इन बनाना, बनाना की मोको डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है, क्या बैक्टीरिया से होती है, या फंजाई से होती है, वायरस से होती है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, तो आंसर है बैक्टीरिया से होती है, याद रखना, किसके द्वारा, राल्स्टोनिया है ना, राल्स्टोनिया सोलेनिसीरम, तो किससे होती है, बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है, याद रखना आपकी, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पनामा बेल्ट इन बनाना, बनाना के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होती है पनामा बेल्ट, ये किसके द्वारा होती है, पनामा बेल्ट जो होती है फंगस के द्वारा, किससे होती है, फंगस, ठीक है, और यहाँ पर जो फंगस का साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस, फंगस का नाम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम पीवी क्यूबेंस। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी आईपीएस के अंदर पूछा गया दोस्तों, लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर 2020 के अंदर इसको पूछा गया था, रिमूवल ऑफ द मेल वर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फीमेल पेज, मेल वर्ड को हटाना क्या कहलाता है ना, नरवाक को हटाना क्या कहलाता है, दोस्तों इसको हम कहते हैं डीनेबलिंग, याद रखना इसको क्या बोला जाता है, डीनेबलिंग उसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल वर्ड को हटाना रूटिंग इस प्रकार से करते हैं, देखो यहाँ पर ये फार्मर क्या कर रहे हैं, डीनेबलिंग इस प्रकार से मेल वर्ड को हटा देता है फ्रूटिंग, फीमेल फ्रूटिंग के बाद, मतलब फीमेल फेज कंप्लीट हो गया, पोलिनेशन हो गया, इसके बाद इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 44 है, हार्वेस्टिंग ऑफ बनाना इज डन इन विच स्टेट, केले में कटाई कब की जाती है, तो दोस्तों जब उसमें क्या होता है, जो एंगल बनता है कोण, डिसअपीयरेंस ऑफ द एंगल, जो थोड़ा तिरछा होता है कि नहीं, ठीक है, एंगल देखना थोड़ा बंद हो जाता है, तो क्या करते हैं हम, कोण देखने बंद होने के बाद उसको हम ग्रीन स्टेज पर करते हैं ना, जब वो हरा होता है कि नहीं, ग्रीन स्टेज पर उसको हार्वेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज राइजोम बीवल ऑफ बनाना, ठीक है, केले का जो राइजोम बीवल है वो कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कॉस्मोपोलिटस सोडिडस, कॉस्मोपोलिटस सोडिडस ये क्या होता है, राइजोम बीवल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच केमिकल यूज टू प्रिवेंट द अल्टरनेट बेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कौन सा केमिकल आम के अंदर जो एकांतर फलन है उसको रोकने के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो कौन सा है, पैक्लोब्यूट्राजोल, कलतार भी इसको बोलते हैं ना, कलतार भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कलतार या पैक्लोब्यूट्राजोल जो होता है ये क्या करता है, एकांतर फलन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। मैंगो मैम एनए का है ना, मॉल फॉर्मेशन को रोकने के लिए इसका भी यूज करते हैं ना, मॉल फॉर्मेशन को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ब्लैक टेप ऑफ मैंगो, आम के अंदर जो ब्लैक टेप बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, तो एक तो बोरोन की कमी से होती है, एक तो किससे होती है, बोरोन, दूसरा जो ईंट के भट्टे होते हैं, ठीक है, ब्रिक्स ऑफ जो केल्न्स होते हैं उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ना, इसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड ईंट के भट्टों के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ। करेक्ट आंसर क्या है, बोथ। क्वेश्चन नंबर 48, फिंगर टिप डिजीज इन बनाना, फिंगर टिप डिजीज बनाना के अंदर फिंगर टिप डिजीज किसके द्वारा होती है, तो केले में फिंगर टिप डिजीज किससे होती है, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग कारण, याद रखना एचडीपी के कारण होती है। देखो फिंगर टिप में क्या होता है कि जो बंच होता है ना फिर साइज छोटा हो जाता है, ये फिंगर टिप है, आप देखो यहाँ पर केले का साइज छोटा हो जाता है, ये होता है एचडीपी, हाई डेंस, जब हम केले को पास पास लगाते हैं कि नहीं, ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब उसको कम दूरी करके पास पास लगा जाते हैं, एक हेक्टेयर के अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स ज्यादा लगा जाते हैं, तब इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगा। 48, आम्रपाली किस किस के बीच का एक क्रॉस है दोस्तों, है ना, आम्रपाली क्या है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, दशहरी इंटू नीलम, ठीक है, दशहरी इंटू नीलम आम्रपाली के बीच किस किस के बीच का क्रॉस है, तो आंसर है दशहरी इंटू नीलम। क्वेश्चन नंबर 50 है, साउथ इंडियन वैरायटी, जो साउथ इंडियन वैरायटी होती है दोस्तों, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था नॉर्थ इंडियन वैरायटी, साउथ इंडियन वैरायटी जो होती है वो क्या होती है, रेगुलर वैरायटी होती है, पॉलीएमरन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन वैरायटी जो होती है मोनोएमरन होती है, साउथ इंडियन वैरायटी पॉलीएमरन होती है और रेगुलर बियरिंग वैरायटी होती है, मतलब हर साल फल आने वाली वैरायटी होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर रात को डेली 9 बजे, ठीक है, रात 9 PM पर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, जो एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ बहुत अच्छी समझ आई होंगी, थैंक यू।